सो वेलकम टू द क्लास। स्टार्ट करेंगे सुइटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, क्या क्या क्रॉप सुइटेबल होगी, कौन सा सॉइल में कौन सा क्रॉप सुइटेबल है, हम ग्रो कर सकते हैं कौन सा सॉइल में, ठीक है। सो डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, उसका एसिडिटी, अल्कलिनिटी सॉइल, ह्यूमस फैक्टर्स, सो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। जो हमारा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सॉइल टाइप के हिसाब से उसका क्रॉप्स ग्रोन, सो इट हैज बीन मेड। जैसे कि हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, मेटालिक्स और ऑल्सो इट कॉन्टेंट्स मेटालिक और इट ऑल्सो कॉन्टेंट्स, एंड ये जो उसका कलर डार्क होता है जनरली, और उसका पोटास और ह्यूमस कंटेंट रहता है। तो इस टाइप का सॉइल में वी कैन ग्रो राइस, ग्रो कर सकते हैं, शुगर कैन ग्रो कर सकते हैं, कॉटन, व्हीट, जूट, ये सब ग्रो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक सॉइल। देखो तो ब्लैक सॉइल जनरली डार्क ग्रे कलर होता है, टू ब्लैक कलर भी होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ये सभी रहता है। उसमें क्या क्या क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, शुगर कैन, कॉटन, राइस, ग्राउंड नट, व्हीट, ऑयल सीड्स, ये सभी हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रेड सॉइल। ओके, रेड सॉइल इसे सेंडियर है, लेस क्लेई है और स्लाइटली एसिडिक, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता, डजनल कंटेंट रिटेन मॉइस्चर, उसमें आयरन रिच है, लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस रहता है उसमें। ओके, एंड उसमें क्या क्या हम ग्रो कर सकते हैं जनरली, ग्राउंड नट, रागी, मिलेट, टोबैको, पोटैटो, ओके, तो ये सभी ग्रो कर सकते हैं, राइस, ठीक है, व्हीट, शुगर कैन, तो ये सभी हम ग्रो कर सकते हैं इन दी रेड सॉइल। फिर आते हैं हमारा लैटेराइट सॉइल। ओके, तो लैटेराइट सॉइल क्या होता है जनरली, इसका लैटेराइट सॉइल का येलो कलर होता है, ठीक है, उसमें आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, रिच होता है और यूज्ड इन एज ए बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं, उसमें कॉफी ग्रो कर सकते हैं, कैश्यू नट, रबर, कोकोनट, ये सब हम ग्रो कर सकते हैं। देन होता है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल आपको पता है उसमें स्पेस मतलब ऑयली होता है, पोरस होता है, ज़्यादा कोर्स ग्रैन्यूल होते हैं, उसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फोरस ज़्यादा रहता है, उसमें हम मिलेट्स, बार्ली, कैक्टस, डेट्स, ये सभी मतलब क्रॉप्स ग्रोन किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो होता है ये सभी। देन हमारा आता है माउंटेन रीजन में जो माउंटेन सॉइल होता है, ठीक है, ठीक है, माउंटेन सॉइल जो है, माउंटेन सॉइल बाय द डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें ह्यूमस रिच रहता है माउंटेन सॉइल में, उसमें क्रॉप ग्रो होता है, टी होता है, कॉफी, स्पाइसेस होते हैं, पिकल फ्रूट, ये सभी होता है हमारा माउंटेन सॉइल में। फिर हम देखते हैं सॉइल इरोजन, कैसे सॉइल इरोजन होता है। देखिए सॉइल इरोजन इज द ग्रेजुअल रिमूवल और वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सॉइल सरफेस बाय नेचुरल एजेंट, रनिंग वाटर, विंड, वेव्स, मतलब क्या है, बाय द विंड और स्नो और वाटर क्या होता है, सॉइल क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को रिमूव हो जाता है। सोच लीजिए कि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, बारिश में वो रिमूव हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस रिमूव हो गया, तो सॉइल इरोजन हो गया, उसका फर्टिलिटी डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। वो फर्टाइल टॉप सॉइल को क्या करता है, ले जाता है, टेक्स अवे, और सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ नहीं होता है उसमें, ठीक है। सो ये हमारा सॉइल इरोजन के है। तो सॉइल इरोजन जो होता है, क्यों सॉइल इरोजन होता है, देखो जो प्रोटेक्टिव एजुकेशन, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं है एक प्लेस में, ठीक है, ओवर ग्राजिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्राजिंग हो रहा है, प्लाविंग हो रहा है, कल्टिवेशन, ओवर कल्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या करता है, सॉइल को मेक्स द सॉइल ससेप्टेबल टू बींग स्विफ्ट हुए, तो उसके लिए चला जाएगा सॉइल इरोजन। कैसे, देखो डिफॉरेस्टेशन में एक प्लस में हो गया, मतलब फॉरेस्ट नहीं है, तो फॉरेस्ट नहीं, उसका प्रोटेक्शन नहीं है, उसका कवरिंग नहीं है, तो इजिली वो क्या होगा, इजिली चला जाएगा, ये सो नॉम्पल टू मूव हुई,
यस और नो, और प्लाउइंग ओवर कल्टिवेशन प्लेस में होगा, इट विल मूव अवे, इट यू इट विल वेयर अवे। सो ये एक कॉज है सॉइल इरोजन का। और कॉज हम बोल सकते हैं कि फार्मिंग टेक्निक ठीक नहीं है, जैसे कि हम डीप प्लाउइंग करते हैं, द लैंड 2 or 3 टाइम्स ए ईयर करते हैं और एनुअल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो इट विल कॉज दी सॉइल इरोजन। ओके, तो सॉइल इरोजन से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा सॉइल इनफर्टाइल हो रहा है, उसमें हम प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सो ऑब्वियसली वी शुड प्रिवेंट इट, सॉइल इरोजन को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा सॉइल इनफर्टाइल हो रहा है, हमारा प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, ये सर नो। तो हमें कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे? ओके, जैसे कि जो विंड फ्लोइंग वाटर हो रहा है कि विंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस टू ब्रिंग ग्रोइंग ओवर कवर क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करेंगे हम, तो विंड वाटर फ्लो होने से कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, या एक क्रॉप कवर हो गया, कवर हो गया तो नहीं होगा। ठीक है, लैंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, मेन क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद उसको हम कवर क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और कवर क्रॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर, विंड एंड फ्लोइंग वाटर। नेक्स्ट आते हैं जो फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर, इट कैन बी रिड्यूस बाय ग्रोइंग ट्रीज, उसके ऊपर हम ट्री ग्रो करेंगे, तो पर इफ वी ग्रो द ट्री और श्रॉब्स इन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स, देन वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट इट। ओके, और हम रो ऑफ प्लांट्स ग्रो करेंगे ऑन द बाउंड्री ऑफ फील्ड्स, सेक्टर बेल्ट में उसको बाउंड्री में हम ग्रो कर सकते हैं। देन ओवरग्रेजिंग प्रिवेंशन करेंगे, एफोरेस्टेशन, स्टे फार्मिंग, रिवर बैंक एम्बैंकमेंट, ये सब करके हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओवरग्रेजिंग हो रहा है एक प्लेस में, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स आर कमिंग एंड ओवरग्रेज, सो दैट ड्यू टू दिस ओवरग्रेजिंग द टॉप सॉइल कम टू एक्सपोजर, एक्सपोज हो रहा है, सो ड्यू टू दिस एक्सपोजर बाई दी ऑयल वाटर एंड विंड, सो इट सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे जिससे ओवरग्रेजिंग नहीं होगा। ठीक है, और एफोरेस्टेशन करेंगे कि सॉइल वहाँ पर नहीं है, फॉरेस्ट था, दैट सॉइल इज फ्री टू एक्सपोज, देन वी विल प्लांट ट्रीज देयर, ये सो नो, प्लांट ट्रीज एंड मेक फॉरेस्ट, दैट इज अवर एफोरेस्टेशन। ठीक है, देन कम्स टू स्टेप फार्मिंग, जैसे कि इन जनरली स्टेप फार्मिंग इन माउंटेन एरिया करते हैं, स्टेप फार्मिंग करेंगे, दैट मीन्स स्लो डाउन दी स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड लेस होगा, तो स्टेप फार्मिंग ऐसे कर सकते हैं। और रिवर में जैसे कि एम्बैंकमेंट करेंगे, रिवर एम्बैंकमेंट, सो उसके जरिए से हम कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल इरोजन लेस होगा तो भी सॉइल अनफर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम विल स्टार्ट फ्रॉम दी सॉइल पोल्यूशन। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल फर्स्ट व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में, चले जाता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।